नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी की लर्निंग वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्या मार्केट में अगर 1000 पॉइंट 2000 का मोमेंटम होता है निफ्टी में, तो उसको हम पहले पता कर सकते हैं कि मार्केट में अब मोमेंटम आने वाला है और कौन से बेसिस पे आने वाला है? क्या हमें डेटा पहले इंडिकेट कर देता है? तो उस बेसिस पे हम पूरा चीज देखेंगे कि क्या होने वाला है मार्केट में, और हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये पहले कैसे पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट में अब यहाँ से मोमेंटम होने वाला है या फिर मार्केट में यहाँ से आपको नीचे आने वाला है, उसमें सेल हो रहा है। तो ये पूरे डेटा बेसिस पे पता चल जाता है, डेटा बेसिस पे पता चलता है। कैसे पता चलता है ये सब सारी चीजें आज हम डिटेल में इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो खेल होता है वो डेटा का ही होता है। और मार्केट में FII भी, जो आप कहिए कि US का जो पैसा डालते हैं, तो मार्केट को जरूर लगभग 1000 to 2000 पॉइंट ऊपर लेके जाते हैं। और वो कैसे, मैं आपको डेटा पे आज प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेटा पे चलता हूँ, वहां पे मैं अपने एक बार एक्सेल शीट पे अपना लेके चलता हूँ, जहां से हम ये 15 दिन पे FII का डेटा आता है उसको हम एनालिसिस करते हैं कि FII कहाँ पे पैसे डाल रहे हैं और कहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखें कि इनकी जो पैसा अभी आप वो आया है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में, कितना पूरे ये अक्टूबर लास्ट से अभी तक पैसे डाल रहे हैं, यानी यहाँ पे लगभग 1400 करोड़ उन्होंने डाल रखा है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था कि यहाँ पे इसमें पैसे आ रहे हैं, इसके बाद कैपिटल गुड्स में आ रहे हैं, केमिकल में आ रहे हैं, आपको कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं यहाँ पे पैसे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिकली हमारा फोकस था। प्रीवियस हम 15 दिन पहले जो वीडियो बात किए थे वो IT सेक्टर हमारे फोकस पे था, तो क्योंकि IT सेक्टर क्या बॉटम आउट हो रहा था, मैंने बताया था वहां पे क्या है, वो दिसंबर से ही सेल कर रहे थे, तो अब उसमें क्या कर रहे हैं, वो बाई कर रहे हैं। और हमने एक इन्फॉर्म भी किया था कि IT सेक्टर का स्टॉक्स जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसको आप पकड़ सकते हैं। तो ये कौन से डेटा पे बात होता है, कैसे डेटा में हम कैच कर सकते हैं? बाकी आप देखें सबसे ज्यादा पैसा भी फाइनेंशियल सेक्टर में आया है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसके बाद आप ऑयल एंड गैस में भी आया। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमें ऐसे कैसे स्टॉक्स पहले पता करना है कि FII किस स्टॉक्स में पैसे डाल रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बार अपने जो है डेटा पे लेके चलता हूं। अब आप अगर NSDL के साइट ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे हर एक मंथ का FPI का जो इन्वेस्टमेंट का आता है, आप यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारा डेटा आता है, बहुत सारा डेटा। तो मैं अगर कैलेंडर वाइज करूं यहाँ पे क्लिक, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या किया है। तो एज यूजुअल देखिए नवंबर में अभी आपको 20 डेज ही हुआ, यहाँ पे उन्होंने 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। किसने? FII ने 30,000 करोड़ का, और ये डेप्ट में बिल्कुल थोड़ा सा पैसा निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये सब पैसे नहीं है, लेकिन ये इन्होंने क्या किया, 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया। तो पैसा कहाँ गया, ये कौन से सेक्टर में गया? तो आप ओवरऑल अगर 15 डेज का ये डेटा देखें तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि 30,000 पूरे कहाँ पे आए। यहाँ पे देखे 28,800 टोटल ग्रांट आ रहा है, 28,800 का, थोड़ा सा डेटा इधर उधर चलता है लगभग, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल पूरा में आपको 30,000 का डेटा यहाँ पे अप्रोक्स दिख रहा है। उस 30,000 में उन्होंने किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, किस सेक्टर में? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे जो 30,000 वहां पे 30% उन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद फिर ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स में उनका पैसा गया है, और इसके बाद फिर आपको क्या है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में, और ये बड़ा बड़ा पैसा आपको मेटल एंड माइनिंग्स और आपको ऑयल एंड गैस में गया है। तो आप अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्टर का सिर्फ एनालिसिस कर लें तो ये पूरा आपको स्टॉक्स पता चल जाएगा 6-7 सेक्टर का, कि उनका पैसा कहाँ पे जा रहा है। और आपको प्रायोरिटी वाइज करना है, सबसे पहले फाइनेंशियल का, फिर IT का करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखें ऑयल एंड गैस का। तो ये हमें कौन से बेसिस पे पता करना है, तो दोस्तों हमारा जो स्किनर है यहाँ पे हमें ये सेक्टर वाइज में बता देता है। देखिए ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑटो कंपोनेंट्स, तो ये स्टॉक्स जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे पता चल जाता है डेली बेसिस पे। आप देख सकते हैं कि ये एक इम्फाल है, ERC है, एक इम्फाल है, ND रैटो है, ये सब हमें आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, IMPAL, मैं इसका एक बार चार्ट ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टॉक्स गया कि नहीं है। तो बिल्कुल हो गया होगा, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट है वो 100% वैसे ही स्टॉक्स में होते हैं। तो देखें इंदिरा मोटर ये है ना आपको, तो यहाँ पे देखें इनका जो 742 है, यहाँ पे अभी भी इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है दोस्तों, बिल्कुल अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है इस रेंज में। ये ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर बिल्कुल यहाँ से चलेगा, क्योंकि
अभी इनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू है, तो इस स्टॉक्स को आप देख सकते हैं जाके। बाकी आपको और इगार्सी का मैं दिखाता हूं, यहां पे मैं एक बार इगार्सी का ओपन करता हूं चार्ट। दोस्तों क्या कि एफआईआई जिस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका ड्यूरेशन एक अच्छा खासा होता है। अब यहां पे देखिए इसमें भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, यानी इस जैसे ही ये आपको 440 के रेंज को ब्रेक करेगा वो आपको क्या करेगा, बिल्कुल वहां पे बाउंस बैक होने वाला है। तो ये पूरे जब ही यहां देखे एक तगड़ा वॉल्यूम आया है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम आया है, और इसको आप जो है इस जो स्टॉक्स है इसको हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि क्या उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रही है कि नहीं रही है। तो मैं यहाँ पे 11 जैसे डालता हूँ पूरा यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगा। अभी देखिए इनकी एंट्री 448 के पास एंट्री आया है, लगभग थोड़ा सा ऐसे नीचे आया, लेकिन इनकी एंट्री यहाँ पे 441 के पास इनकी पहली एंट्री थी। तो ओवरऑल यहाँ पे उनकी एंट्री हो रही है, यानी वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरे एक ऑटोमेटेड सीट है जहां से कि हम पूरे सेक्टर का पता कर सकते हैं। एक टीवीएस मोटर में पैसा आया और टाटा मोटर्स में भी उनका पैसा आया। तो आप एक बार टाटा मोटर्स का पहले चार्ट हमने बताया था कि टाटा मोटर्स में 380 के पास बाएंगी, तो मैं एक बार देख लेता हूं कि टाटा मोटर्स का चार्ट हमें क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों बिल्कुल इनकी इन्वेस्टमेंट जो एफआईआई की होती है वो धीरे धीरे होती है। आप यहां पर देखें 380-385 जब था, यहां से ये 430 तक अभी गया है, और यहां पे अब भी इनका इन्वेस्टमेंट और हो रहा है। अब देखिए ये जो वॉल्यूम है ये हमें इंडिकेट कर रहा है। तो मैं अपने जो है सीट पे जहां पे हमारा ऑटोमेटेड सीट है वहां पे मैं एक बार टाटा मोटर डालता हूं, और यहां पे हम एक बार देख लेते हैं कि क्या उसमें उनकी कहां पे एंट्री हुई है। दोस्तों ये बिल्कुल ही एडवांस सीट है जिससे कि हम पूरे स्टॉक्स का जो भी स्टॉक्स है वो यहां पे निकाल सकते हैं टाटा मोटर्स का। तो यहां पे देखें 437 के पास, 423 के पास एंट्री आया था, पहले इनका एंट्री 414 के पास भी आया था। तो ओवरऑल यहां पे इनके अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है, यहां से और एक बाउंस बैक करेंगे। तो आगे हम और किस सेक्टर में उनका पैसा आया उस सेक्टर को मैं एक बार देखता हूं एपीआई एनालिसिस में। अब यहां पे सबसे ज्यादा उनका फाइनेंशियल सर्विसेज में आया है, तो एक बार फाइनेंशियल सर्विसेज भी जब आप सेलेक्ट करेंगे इसमें तो ओवरऑल पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पे स्टॉक्स ओपन होके आ जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही एडवांस स्टॉक्स है, देखिए फाइनेंस का है यहाँ पे, फाइनेंस में फाइनेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं ये धानी आपको एवन फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एस्टेल, तो ये सारे इसमें उनका पैसा लगभग इसमें ये डेली बेसिस पे आता है। क्या आता है कि ये स्टॉक्स डेली बेसिस पे निकल के आता है। तो अगर कोई स्टॉक्स आपको डेली बेसिस पे सिलेक्शन होके आ रहा है, सपोज दैट कि आज ये धानी आया, कल भी इसमें आया, परसों भी आया, तो वहां पे क्या उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे नाहर कैप, अगर नाहर कैप आज आ रहा है, कल भी आ रहा है और परसों भी आ रहा है, डेली बेसिस पे अगर 3 से 4 दिन में अगर 3 दिन आ रहा है, तो उस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट एफआईआई का हो रहा है। तो वहां पे हम उसको यहाँ पे कैच कर सकते हैं, और उसको डिटेल में एनालिसिस के लिए यहाँ पे जाके हम जब इसको स्टॉक्स को डालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब मैं आपको आईटी इंफॉर्मेशन जो है आईटी सेक्टर का स्टॉक्स है वहां पे भी उसमें दिखाता हूँ कि कहाँ पे उनकी आईटी वाले सेक्टर में हुआ है। तो ये आईटी हार्डवेयर आईटी सॉफ्टवेयर अलग अलग है, देखिए यहाँ पे इन्फोटेक, ये माइंट्री, ये सब विप्रो, विप्रो में तो नहीं हुआ है लेकिन इन्फोसिस में ये सब हुआ है, इसे भी माइंट्री में डालता हूँ। माइंट्री अब डालें, केल ने, इन्फोटेक हुआ है, बिरला सॉफ्ट हुआ है, तो इसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे आप मैंने विप्रो का दिखाई, विप्रो में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, इंटरटेक है, और आप और आईटी सेक्टर्स के जो हार्डवेयर के हैं, ये तो हमारा सॉफ्टवेयर का है, यहाँ पे आप देखें कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर का है उसमें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर में जो भी आईटी है उसमें भी इन्वेस्ट, आईटी सर्विसेज का एलटीटीएस है, इसके बाद टेरा सॉफ्टवेयर, तो ये ऐसे स्टॉक्स में पैसे डाल रहे हैं। अब मैं आपको और दिखाता हूं कुछ स्टॉक्स, जैसे हमें टीसीएस है, टीसीएस और इन्फोसिस, ये दो बहुत ही बड़े सेक्टर हैं आईटी सेक्टर के। तो अगर एफआईआई की होल्डिंग इनमें बहुत अच्छा खासा है, देखिए ये क्या है, नीचे यहां से 2900 से ये बाउंस बैक कर रहा है, क्योंकि अक्टूबर मंथ से उनका पैसा आ रहा है। वो आप देखें तो अक्टूबर के लास्ट से ही एफआईआई ने क्या कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर में पैसे डालना शुरू किए। आप यहां पे देखिए अक्टूबर 16 से, और वो स्टॉक्स अक्टूबर 16 के बाद से ही चलना शुरू हुआ है। आप यहां पे देखें अक्टूबर में 27, 29 ये उससे पहले यहां तक था, तो ये जब पैसे 9, 22 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से
यानी जब वो पैसे डाल दिए वहां पे वो कंसोलिडेट हो रहा था, उसके बाद वो पूरे यहां से चलना शुरू हुआ। आप वहां पे ऐसे टीसीएस के साथ इंफोसिस भी देख सकते हैं। मैं इंफोसिस को आपको चार्ट दिखाता हूं और इंफोसिस में भी सेम वहीं पे बाउंस बैक हुआ है। देखें आप यहां से 23rd से, तो वो पहले पैसे दो तीन दिन डाले थे यहां पे, उन्होंने बाइंग किया, उसको और नीचे लेके आ गए, फिर यहां पे बाई किया, यहां पे इनकी वॉल्यूम देखिए एक अच्छा खासा जो था वो आपको हो गया था, उससे पहले वो गिरा रहे थे और वहां पे लगभग 1300 से 1500 नहीं लगभग वो 10-12-15% वहां से ऊपर लेके आ गए स्टॉक्स को। तो ओवरऑल उनकी एक स्ट्रेटजी पहले हमें पता चल जाता है कि वो कौन से सेक्टर के किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमें ये कैसे पता चलेगा, अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि FII अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं जो अपने हम एक्सेल शीट में लिए हैं। यहां पे देखिए इतने जो है फॉरेन जो है FII हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतने की मैक्सिमम जो आप देखें मैक्सिमम है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको USA का है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। ये जब भी पैसे डालते हैं आप ये पूरे अगर इनकी कंट्रीब्यूशन देखें आप यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे इनकी देखिए यहाँ पे इतना इनका कंट्रीब्यूशन है और पूरे इन्वेस्टमेंट इतना है, तो इसको आप देखें लगभग 39% ये आप देखें पूरा 39-40% इनका कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, पूरा 39-40%। और यहाँ पे ये देखिए कितना ये निकाले हैं, कितना निकाले हैं और कितना डाले हैं। तो अभी यहाँ आप देखें कि 39% था कंट्रीब्यूशन अगस्त में, सितंबर में उन्होंने किया क्या, सितंबर में उनका कंट्रीब्यूशन 40% था, अक्टूबर में इनका परसेंटेज जो 41% हुआ ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया 31% अपना पैसा यहां से निकाल लिया किसमें, सितंबर मंथ में। अब अगस्त में 18,92,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से लगभग थोड़ा सा निकाले 18,35,000 रह गया, लेकिन अक्टूबर में उन्होंने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, देखिए 19,72,000 करोड़ का, यानी 19,72,000 करोड़ में उनकी कितनी हुई। तो नेट बेसिस पे देखें तो उनका इन्वेस्टमेंट 1,38,000 करोड़ का हुआ, 1,38,000 करोड़ का उनका पूरा, वो कितना था पूरे FII जितना इन्वेस्टमेंट किए थे उसका 75%, उसका 75% सिर्फ क्या किया इसने USA वालों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां पे वो मार्केट को बिल्कुल ऊपर लेके जाएंगे। ये आपको माइक्रो एनालिसिस है दोस्तों, आप कैश के डेटा के साथ देख के ये पता कर सकते हैं कि मार्केट कहां जाएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये डेटा तो हमें आपको मंथ के जो लास्ट में आता है, मंथ के लास्ट में आता है, तो इससे हमें कैसे पता चलेगा। उसका भी एक सलूशन है कि हम डेली बेसिस पे, आप यहां हमारा देखिए कि ये पूरा डेली बेसिस पे डेटा एक आता है कि कहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा, ये हमारा आपको ईयरली हो गया, यहां पे डेली बेसिस पे, ये हमारा मंथली हो गया, लेकिन आप यहां पे डेली बेसिस पे करंट मंथ में जाएंगे तो पता चल जाएगा। आप देखें यहां पे पूरे 1 नवंबर से डेटा दे रखा है, 12,400 करोड़ का इन्होंने क्या किया बाई किया है 1 तारीख को, 5,400 करोड़ का सेल किया है इनका। तो ये डेटा आप जब डेली बेसिस पे ऑटोमेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप यहां पे देखें 2 तारीख को क्या हुआ था, 12,700 करोड़ का इन्होंने बाइंग किया और 6,700 करोड़ का लगभग सेल किया, तो इनकी नेट इन्वेस्टमेंट 6,200 करोड़ की होगी ठीक है। अब आप ऐसे ही पूरी ये डेटा जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 7,600 करोड़ का, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 700 करोड़ का, 1800, ये आपको सेक्टर क्या रोटेशन था दोस्तों, यहाँ पे सेक्टर रोटेशन हुआ क्योंकि इतना हैवी क्वांटिटी में इन्होंने बाई और सेल दोनों किया है, तो एक सेक्टर से पैसा निकाल कर दूसरे सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं, जो कि हमें पता चल जाता है। आप यहां देखें यहां पे इनकी एक्चुअल बाइंग हुई है, यहां पे इनकी एक्चुअल बाइंग हुई है 9,010 करोड़ का, यहां पे भी इनकी एक्चुअल बाइंग हुई है, लेकिन जहां पे भी आपको 10,000, 12,000, 12,015 यहां पे देखें 14,000 करोड़ का, तो इन्होंने सेक्टर रोटेशन करते हैं। यहां आप देखें ये जो डेटा 15th को जो हमारा था, यहां 22,500 करोड़ का इन्होंने बाई किया और 20,200 करोड़ का सेल किया, तो ये बताइए कि इन्होंने इतना सेक्टर में क्या किया, ये दूसरे सेक्टर से निकाल के दूसरे सेक्टर में पैसा निकाल के, किसी एक सेक्टर से पैसा निकाले और उसको दूसरे सेक्टर में उन्होंने पैसा डाल दिया, वो वहां पे क्या हो हैंड आपको एक्सचेंज हुआ, बस रोटेशन हुआ सेक्टर रोटेशन। तो ये भी हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमारे एक्सेल शीट में ऑटोमेटेड एक्सेल शीट में वो डेटा आने लगेगा कि हाँ इस सेक्टर में सेलिंग हो रहा है, इस सेक्टर में बाइंग हुआ है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट पूरा कैसा रहा है, और ये सारा डेटा हमको ये इंडिकेट करता है कि इनकी नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुई है, नेट इन्वेस्टमेंट। इसके साथ दोस्तों नेट इन्वेस्टमेंट का हमने ये शीट देख लिया है कि कहां पे इनका नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरा, और आप ये भी चाहें तो देख सकते हैं, देखिए 30,000 करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है इस वाले शीट में हमने देखा पूरे,
आप इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड, उसके साथ म्यूचुअल फंड्स और क्या कर रहे हैं बैंक, ये भी डेटा आप फिल कर सकते हैं। तो पूरे मंथली बेसिस पे जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अक्टूबर मंथ में देखिए, अक्टूबर मंथ में हमारे एफपीआई क्या है, एफपीआई ने लगभग 47,000 करोड़ का यहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट किया था। एचयूएफ म्यूचुअल फंड 22,000 करोड़ का, 22,000। इससे पहले उनका क्या था सितंबर में देखिए, तो सितंबर में म्यूचुअल फंड का क्या 21,067 था, यानी 21,700 करोड़ का। तो यहाँ पे उनकी और इन्वेस्टमेंट हुई, एफआईआई का 46,047 किया, तो 1,38,000 जो वहां पे पूरा निकल के आ रहा है डेटा, जो हमने अपने एक्सेल शीट में डाल रखा वो आपको एक्चुअल यहाँ पे पता चल जाएगा। आप यहाँ पे देखें कि इनकी क्या 1,85,000 पूरे एफपीआई इन्वेस्टमेंट की है, 1,85,000 अक्टूबर मंथ में। तो इनका अगर आप डेटा सितंबर में देखें, अभी आप सितंबर में ये 46 आपको दिख रहा है, 46,12,000 करोड़ का, अक्टूबर में यहाँ पे बढ़ जाएगा, आप देखें 47 लाख कुछ हो जाएगा, 47,97,000, 1,85,000 का इन्होंने बाइंग कर लिया वहां पे। तो ऐसे ही आप डिफरेंस पूरा निकाल सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स का है ये सब। तो ये सारे डेटा माइक्रो लेवल पे आप एक अच्छा खासा मार्केट का डायरेक्शन पकड़ सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, बड़े प्लेयर क्या करना चाहते हैं मार्केट को, कब वो बाई करना चाहते हैं, कब मार्केट को सेल करना चाहते हैं, ये सारा राज इसी डेटा में छुपा हुआ है। अब आप माइक्रो लेवल पे देखें तो देखिए, मार्केट में 200 पॉइंट 300 पॉइंट गिरना डेली चढ़ना वो अलग की बात है, वो मार्केट का सेंटिमेंट है। कभी न्यूज आया तो मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट गिर गया, लेकिन एक्चुअल क्योंकि मार्केट तो देखिए ऐसे बिल्कुल ही चलता है दोस्तों, मार्केट ऐसे 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 चलता है। तो ओवरऑल ये ऐसे ऐसे जाना है तो हमें डायरेक्शन कहां पर रहेगा, वो अपसाइड डायरेक्शन रहेगा या फिर डाउन साइड डायरेक्शन रहेगा, वो हमको ये पूरा डाटा बता देगा जो भी एफपीआई का इन्वेस्टमेंट का डाटा है। और ये सारा चीज हम क्या करते हैं कि अपने एक्सेल में ऑटोमेट करते हैं, और पूरे एक्सेल में ऑटोमेशन के साथ ये स्टॉक सिलेक्शन का हमें डेली बेसिस पे यहाँ निकल के आता है। अगर मनी फ्लो आप इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा देखिए स्टॉक सेलेक्ट होकर आता है, हमें इन्फॉर्मेशन कैपिटल मार्केट में, ये हमें आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, ऑटो कंपोनेंट्स यहाँ पे निकल के आ रहा है स्टॉक। तो ये डेली बेसिस पे जो में जिसमें भी एफपीआई इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पूरा स्टॉक्स डेली बेसिस पे सेलेक्ट होकर आता है ये मनी फ्लो के एनालिसिस के ऊपर। और एफएनओ स्टॉक्स में भी अगर उठाएंगे पैसा तो यहाँ पे वो आपको दिखते हैं, अभी कोई एफएनओ स्टॉक्स नहीं आ रहा आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मनी फ्लो में यहाँ पे स्टॉक्स आया है। तो बिल्कुल ये डेली बेसिस पे हमारा स्टॉक सिलेक्शन होता है, और हम यहाँ से सेक्टर वाइज पूरा निकाल सकते हैं कि कौन से सेक्टर में ऑयल एंड गैस, पेपर में, ये अदर्स में कहाँ पे उनका पैसा आया। तो आप यहाँ पे ऑयल में देखें तो ONGC में उनका पैसा आया हुआ था, बाकी और आप सारे कंस्ट्रक्शन में उनका पैसा आया तो कंस्ट्रक्शन का भी यहाँ पे स्टॉक्स निकल के आ जाएगा। और पूरे स्टॉक्स का डिटेल में हम यहाँ पे वन मंथ में देख सकते हैं कि कहाँ पे उनकी एंट्री हुई है, कौन से लेवल पे। तो बहुत ही एडवांस सीट है दोस्तों, अगर किसी को इस सीट की रिक्वायरमेंट हो तो बहुत एक मिनिमम चार्ज के साथ इसको हम शेयर कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9508898759, 9508898859। तो आप इसमें मुझे अगर जरूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस सीट के रिक्वायरमेंट के अनुसार। और ओवरऑल दोस्तों आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और सारा कुछ ऑप्शन में आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारा सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन करिए, और उसके बाद मेरे नेक्स्ट जो बैच है वो पूरा फुली एडवांस ऑप्शन के सारे एक्सेल और ये भी सीट जो हमने दिखाया उसको भी हम वहां पर ऑटोमेट करते हैं। तो ये सारी चीजें बताया जाता है। नेक्स्ट बैच हमारा दिसंबर 5 से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं या आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और वहां पे अपना इनरोल बुक कर इन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर रखिए ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो के आप बाय से लिया होल्ड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उन्हीं की सलाह पर बाय से होल्ड करते हैं। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।